एक्सचेंज C1 का सेटअप करेंगे। इसके अंदर हम बताएंगे इसको कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देंगे, एंड इसके बाद इसका ये पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है, या हम इसकी बैटरी इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इस कैमरे को ऑन करेंगे। ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। हम सबसे पहले कैमरे को ऑन करेंगे, देन उसके बाद हम सबसे पहले हमारा क्लॉक का सेटअप है। इससे हम क्लॉक एंड डेट सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 11/6/2021 सेट कर दिया है, एंड हम टाइम भी इसे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये टेस्ट ये बेसिकली हमारा सेंसर टेस्ट है कि हमारा सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे इसके सामने कोई मूवमेंट होगी, ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि प्रॉपर इसका सेंसर वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर मोड का बटन प्रेस करके कमांड्स के अंदर हम जाएंगे। कमांड्स के अंदर हम बैट ओके मतलब इसकी बैटरी बिल्कुल ठीक है, इसकी बैटरी, ये बैटरी को इंडिकेट करता है। देन क्लियर, क्लियर के अंदर हम इसके मेमोरी कार्ड को ओके, यहाँ से ओके प्रेस करके कंफर्म करके हम इसके मेमोरी कार्ड को क्लियर कर सकते हैं। देन हम ये कैमरा आईडी, हम कैमरे को इसको एक डिफरेंट नेम हम इसको दे सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है हमारा स्ट्रोब बार का, ये बेसिकली इसकी फ्लैश की पावर को डोनेट करता है। अगर आप ये कैमरा इंडोर में आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप इसको इंडोर में कर सकते हैं। क्लोज़ करेंगे तो इसकी फ्लैश वर्क नहीं करेगी, इसकी फ्लैश बंद हो जाएगी। मीडियम में इसकी फ्लैश रेंज मीडियम रहेगी, फार में इसकी फ्लैश रेंज दूर तक वर्क करेगी। तो हम इसको फार पे सेट कर देते हैं। देन एक्सेप्ट रेशियो, ये बेसिकली इसकी जो इमेज है वो ये क्लिक करता है उसके रेशियो को डोनेट करता है। वाइड के अंदर 16:9 की इमेज आएगी, एंड अगर आप फुल पे करेंगे तो उससे और ज़्यादा बिगर इमेज इसके अंदर आएगी। जोन इसका बेसिकली सेंसर को डोनेट करता, सेंसर को मेंशन करता है, इसके सेंसर पावर को। अगर इसको हम जोन कंट्रोल अगर सेंट्रल रखेंगे तो ये सेंटर्ड दूर तक इसकी जो वेव्स है वो ट्रैवल करेंगी। अगर इसी को अगर हम, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसी को अगर हम वाइड कर देते हैं और इसको यहाँ से नीचे कर देते हैं तो ये वाइड एरिया कवर करेगा इसका सेंसर। ये इसके सेंसर को, सेंसर की बेसिकली सेटिंग्स है। देन उसके बाद हम इमेज साइज़ हम 20 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल के अंदर हम इसको सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितने मेगापिक्सल की इमेजेस लेनी है। देन लैप्स, ये भी इसकी इमेज के साइज़ को मेंशन करता है। एंड DTS मोड, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स या अदर रीजन में अगर आप रहते हैं तो उसके लिए बेसिकली हम इसको ऑटो पे ही प्लेस कर देते हैं। इसके अंदर कोई हमारे से रिलेटेड कोई सेटिंग नहीं है इसके अंदर। स्टार्ट अगर हम करेंगे तो हमारा कैमरा स्टार्ट हो जाएगा फ़ोटो क्लिक करने के। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्वेलेंस मोड, PT मोड, EZ मोड एंड एडवांस मोड। हम इसको एडवांस मोड पे सेट कर देंगे। देन इसके बाद हम ये नीचे मोर वाला बटन प्रेस करेंगे। देन हम इसके डे के डिले को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड से लेके 1 आवर के बीच में। तो मैंने इसके डिले मतलब कि एक बार फ़ोटो क्लिक करने के बाद दोबारा कैमरा कितनी जल्दी रेडी होता है दूसरी बार इमेज क्लिक करने के लिए, तो वो बेसिकली इसका डिले हो गया। एंड ये बेसिकली इसकी इमेजेस को है कि इमेजेस आप एक बार जब इसके आगे से कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा तो आप कितनी इमेज उसकी क्लिक करना चाहते हैं, 1 से लेके 5 इमेजेस तक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने 3 इमेजेस पे इसको सेट कर दिया है। इसी तरह ये वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो जैसे अभी ऑफ दिखा रहा है आपको, वीडियो ऑफ है तो इधर नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे वीडियो पे जाके 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड्स तक हम इसकी वीडियो को प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को 20 सेकंड्स पे सेट कर देता हूँ। देन हम फिर दोबारा मोर में जाएंगे, देन हम इसके नाइट के अंदर भी हम इसके जो हमारा डिले है हम उसको सेट कर सकते हैं। नाइट के अंदर ही मैंने इसको 5 सेकंड्स पे सेट कर दिया है। एंड इमेजेस भी मेरी 4 इमेजेस मैंने नाइट पे सेट करी हुई हैं। एंड नाइट की वीडियो मैं नाइट की 30 सेकंड्स पे मैं सेट कर दूंगा। देन उसके बाद हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है कैमरा। देन हम ARM मोड पे जाएंगे। ARM मतलब हमारा कैमरा पिक्चर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा।
एयर आर्म पे सेट करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे 30 सेकंड्स का पहले ये गैप लेगा, 30 सेकंड्स के बाद ये बिल्कुल टोटली फोटो क्लिक करने के लिए सेटअप हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जितने भी इंटरवल पे आपने इसको सेट करा हुआ है डिले इसका, जैसे मैंने 5 सेकंड्स पे सेट करा हुआ है तो 5 सेकंड बाद ये इमेजेस लेगा। एंड अगर आपको कैमरा ऑफ करना हो कैमरा ऑफ पे करके इसको कहाँ से कन्फर्म कर देंगे, देन हमारा ये कैमरा ऑफ हो जाएगा। थैंक यू।